उतर आए, इनके 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी खुद, जेपी नड्डा साहब खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे तो थे ही। जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डाल के, मीडिया को धमका के, मीडिया की बांह मरोड़ के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया, रोज सवेरे 9 बजे मैं देखता था, 8:30-9 बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फर्जी वीडियो एक निकल के आ जाता था, और फिर वो 24 घंटे सारे चैनलों पे केवल और केवल वो वीडियो चलता था। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं हम कहते हैं जी हमने ये काम किए और हमें वोट दो, आगे हम ये काम करेंगे। हम अपने कामों की बात करते हैं, हम अपने कामों के इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बनाते हैं। हमें तो नैरेटिव बनाने ही नहीं दिया इन्होंने। हम सोचते थे हम 10-11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। पता चलता था 8:30 बजे ही कोई वीडियो आ गया, वो 24 घंटे वीडियो ही चल रहा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलती ही नहीं थी। इतने वीडियो लेके आए, इतने फर्जी वीडियो लेके आए, तिहाड़ जेल के किसी ठग को पकड़ लिया, उससे चिट्ठियों पे चिट्ठियां, चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखवा रहे हैं। कभी सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, कभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस कर दिए, कभी कैलाश गहलोत के खिलाफ फर्जी केस कर दिए। इतने सारे फर्जी केस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इतनी सारी रेड। मैं समझता हूं कि इस किस्म का युद्ध इन्होंने किसी के साथ नहीं किया, जिस किस्म का युद्ध इन्होंने एमसीडी के चुनाव के दौरान किया। इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नहीं कहते थे कि बीजेपी वाले, ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं। वो ये कहते थे हम तो चोर हैं, ये भी चोर हैं, हमारे जैसे ही हैं ये भी। उनका पूरा का पूरा जो हम बार 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 हर फोरम पे खड़े होके कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी हमारी आइडियोलॉजी, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो इसको ध्वस्त करना चाहते थे कि नहीं ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं, ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं। इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन इसी की ओर गिरता। पर जनता को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो। ये लोग सोचते थे जनता पागल है, ये लोग सोचते थे जनता को बेवकूफ बना लेंगे। इनका सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है। टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं, गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर हैं, लेंटर पे पैसा खाते हैं। मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया, ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है। तो आप जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए अभी तक, और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है, वो ये लोग तोड़ नहीं पाए। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी सबकी है। अगले 5 साल में कुछ ऐसा करना कि वो विश्वास और सुदृढ़ हो, ऐसा ना हो जाए कि 5 साल के बाद वो विश्वास जनता का कम हो जाए हमारे ऊपर। विश्वास और ज्यादा बढ़ना चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत हमारे प्रति और ज्यादा अगले 5 साल में बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा दुखी जनता भ्रष्टाचार से है एमसीडी में, बहुत ज्यादा। हर लेंटर पे पैसे लेते हैं, हर काम के पैसे खाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी है जनता। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब मेरे से, बहुत सारे आप में से उम्र में छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो कुछ छोटे भाई बहन है, कुछ बड़े भाई बहन है, सबके भाई भाई की तरह मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है। इनकम टैक्स में भी था मैं, वहां भी खूब पैसे कमा सकता था। उसके बाद फिर काफी टाइम एनजीओ में काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, यहां भी खूब पैसे कमा सकते थे। लेकिन फिर अगर मैं पैसे कमाता तो फिर मैं
कुछ भी नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपका चरित्र और आपका आचरण आपको आगे लेके जाएगा। आप अगर ये सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूं और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है सबको, और किसी को पता ना चले ऊपर वाले को तो पता चलता ही है कि नहीं है? भगवान को तो मानते होगे, तो ऊपर वाले को तो पता चलता है जो भी करते हो। ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है जिंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया, अब यहां से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया, उसके बाद बस ये 5 साल ही हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जो आदमी पैसे खाता है ना वो काम नहीं कर सकता, मैंने तो ये देखा है। एक बार ये लत होती है